हेलो फ्रेंड्स, एक ऐसी रेमेडी लेकर आई हूँ जो आपके बालों को तुरंत से काला करेगी। ये जो आप नेचुरल रेमेडी देख रहे हो, इससे आपके बाल तुरंत काले होंगे और लाइव भी मैं आपको रिजल्ट भी शेयर करूँगी। और ये रेमेडी जो है प्रीमैच्योर ग्रेइंग हेयर पे भी वर्क करती है और ज़्यादा सफ़ेद बालों पे भी वर्क करती है। अब देखिएगा, मैं आपको दिखा रही हूँ प्रीमैच्योर ग्रेइंग हेयर। देखिएगा, काफ़ी सारे बाल आपको काले दिखाई दे रहे होंगे और काफ़ी सारी जड़ों से सफ़ेद दिखाई दे रहे, तो इनकी केमिकल की वजह से जो है बाल बहुत तेज़ी से सफ़ेद हो गए हैं और प्रीमैच्योर ग्रेइंग हेयर होने लग गया है। तो आज मैं आपको दोनों तरीके से लगाना बताऊंगी, जो भी तरीका आपको पसंद आता है उस तरीके। तो फ्रेंड्स देखिएगा, सबसे पहले हमें कॉफ़ी का पाउच ले लेना है और जो भी शैम्पू हम रेडी करेंगे तो उसमें कॉफ़ी का पाउच सबसे पहले डालेंगे। आप चाहे शैम्पू भी डाल सकते हैं और आप जो है जिस तरीके से मैं बना रही वो भी आप बना सकते हैं। इसके बाद में हम जो लेंगे आयरन पाउडर लेंगे। आयरन पाउडर आपको जो है किसी भी केमिस्ट की शॉप पर या आयुर्वेदा शॉप पर इजीली मिल जाएगा, तो इतना मैं आयरन पाउडर इसके अंदर लूँगी। इतना आपको आयरन पाउडर ले लेना है। अब देखिएगा, आप चाहे तो इसके अंदर शैम्पू ऐड कर सकते हैं, आप चाहे इसमें जो है आप इसकी रेमेडी भी बना सकते हैं, हीना भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसके अंदर डाला था ये आयरन पाउडर। आयरन पाउडर बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। और इसके बाद में देखिएगा फ्रेंड्स, मैं जो डालने वाली हूँ वो है लेमन पील पाउडर, और मैं इतना यहाँ पे लेमन पील पाउडर ले लूँगी। और क्योंकि मैं इसे एज अ शैम्पू में यूज़ करूँगी तो मैं इतना ले लेती हूँ। अब आपको जो भी शैम्पू पसंद हो आप वो ऐड कर सकते हैं। अगर आप इसमें एलोवेरा जेल डालना चाहते हैं तो एलोवेरा जेल भी आप इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहले मैं इसे अच्छे से मिक्स कर देती हूँ और ये बालों को बहुत तेज़ी से काला बनाने में काम आता है और साथ ही प्रीमैच्योर ग्रेइंग हेयर भी ये दूर करता है। तो इसे अच्छे से पहले मैं मिक्स कर देती हूँ इस तरीके से। पहले मैं थोड़ा सा इसमें जो है एलोवेरा जेल मिक्स करूँगी। देखिएगा फ्रेंड, थोड़ा थिक हो चुका है, एलोवेरा जेल लिया है मैंने और ये थोड़ा सा थिक हो चुका है। और थोड़ा सा मैं इसके अंदर चाय का पानी है, चाय का पानी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमने कॉफ़ी ऐड की है तो मैं चाय का पानी इसमें ऐड नहीं करूँगी। देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने हल्का गुनगुना पानी इसके लिए लिया है और इसमें हमें जो है कुछ भी चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है। ये पैक इस तरीके से ही रेडी हो चुका है। अब आप चाहें इसमें शैम्पू डालें, चाहे आप इसके अंदर हीना ऐड करें, चाहे इंडिको ऐड करें। ये देखिएगा कितना ज़्यादा जो है डीप ब्लैक कलर इस रेमेडी का आया है, आप अच्छे से देख सकते हैं। अब देखिएगा, एलोवेरा जो जेल मैंने इसमें डाला है वो एज अ मैजिकल आपके बालों में शाइन देगा, आपके बालों को जो है सिल्की एंड सॉफ्ट बनाएगा। इस तरीके से आप इस पैक को, ये देखिएगा थोड़ा थोड़ा थिक हो जाएगा, इस तरीके से आप इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए। आपको मैंने शुरू में जो दिखाए थे वो ग्रे हेयर्स दिखाए थे, तो ये है प्रीमैच्योर ग्रेइंग हेयर्स जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया। अब देखिएगा, अब ज़्यादा बालों में हम किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगी और लाइव ही रिज़ल्ट मैं आपसे इसका शेयर करूंगी। पहले मैं पैक को अच्छे से कर देती हूँ मिक्स, ताकि जो सारा पैक है हमारा अच्छे से मिक्स हो जाए। एलोवेरा हमने जो इसमें जेल डाला था तो वो अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए आपके। देखिएगा फ्रेंड्स, ये जो है ये कुछ पैक इस तरीके से बन गया है। अब मैं आपको हैंड पर भी दिखा देती हूँ, कुछ इस तरीके से बन गया है। तो चलिएगा देख लेते हैं किस तरीके से ये बालों में अप्लाई होगा और क्या हमें जो है बालों में, अपने बालों में कितनी देर से रखना है। You're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray.